महकमा स्कूल एजुकेशन के असातिज़ा की तरक्कियों का मामला, नई हुकूमत के आते ही असातिज़ा की तरक्कियां रुक गईं। एक माह से किसी भी ग्रेड के असातिज़ा की तरक्की ना हो सकी। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज बताइए, कौम के जो मेमार हैं उन्हीं की तरक्की रोक दी गई है? जी, गुज़िश्ता हुकूमत में ये पॉलिसी बनाई गई थी कि हर माह जो है असातिज़ा की प्रमोशन के लिए सिलेक्शन प्रमोशन कमेटी का इजलास जो है मुनक़िद होता था और असातिज़ा को जो है मुख्तलिफ ग्रेडों में तरक्कियां दी जाती थी उनकी कारकर्दगी बुनियाद पर। लेकिन नई हुकूमत के आते साथ ही जो है असातिज़ा की तरक्कियों के लिए कोई कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया, तो इस हवाले से असातिज़ा में शदीद तशवीश पाई जाती है। ना ही इस हवाले से जो कमेटी का इजलास वो इंटरन गवर्नमेंट में बुलाया गया था, तीन माह तो वो गुजरे और इसके साथ साथ एक माह ये भी गुजर गया है, तो चार माह से किसी भी एक भी टीचर की जो है प्रमोशन के हवाले से ना ही कोई इजलास बुलाया जा सका है और ना ही इस पर कोई फैसला हो सका है। तो इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन से असातिज़ा नाला है और उन्होंने मुरादराबाद वज़ीरे तालीम स्कूल से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है असातिज़ा की तरक्कियों के लिए जो इजलास इल्तवा का शिकार है उसको बुलाया जाए, क्योंकि असातिज़ा में इस हवाले से बहुत तशवीश पाई जाती है। असातिज़ा की तरक्कियां उनका हक है और ये महकमा स्कूल एजुकेशन जी को, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। असातिज़ा में तफ्तीश पाई जा रही है कि उनकी तरक्कियाँ क्यों नहीं की जा रही।